अंदर मूर्तियां लगी, कहीं ब्रह्म बाबा का मूर्ति लगे लगे, कहीं बाबा साहब का मूर्ति लगे लगे, सब देवी देवतन का मूर्ति स्थापित होके लगल। अपने आजादी से अपने भाव से हम जिएंगे, मानो तो देव नहीं पत्थर, जो जिसको मानता है वही उसका सब कुछ है। भैया भाई देखे गजब का भाव है, हमारे घर का आपके घर का भाई परिवार गरीब घर का बेटा जो सीमा का प्रहरी, तो दास बन गया सीमा बन गया मात्र पीएम कुर्सी के लिए बेटा। मोतीलाल नेहरू के दो बेटा, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा जिन्ना साहब प्रधानमंत्री के बनी। एक ही कुर्सी है, अगर देश न बटी तो दो थे कुर्सी न मिली, तो जिन्ना को दे दिया गया पाकिस्तान और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया भारत। प्रधानमंत्री दोनों भाई है, बड़ी बड़ी बात वही रात बाकी है, पूरा बात बाकी है। भैया हो हाई देखा उन जवानों के सम्मान में, फौजियों के सम्मान में कभी जी लिखल का लिखल आवा लाल यादव गौरव। ऐसा पहली बार हुआ है हमको किसी से प्यार हुआ है। बुढ़ौती में जब तुमके इतना होते तो तुहार जवानी रह हुई तक कहा बने तुहार हम बखान करीला, इसलिए कि विजय नंदलाल नहीं होते तो बिरहा कहां होता, रामदेव बुल्लू नहीं होते तो आज बिरहा इस चरम सीमा पर नहीं होता। तो ये हमारे आराध्य है, देवता के समान है। बड़का भैया गौले हमको हमको किसी से प्यार हुआ है, लेकिन हम गौली का गौली हर ध्यान सनम हरे भैया बड़वा कब बोला लेकिन भैया हमारे विजय भैया गौले ऐसा पहली बार हुआ है। अरे लेकिन हम का गावन शुरू कर ली, अरे जाने सनम अरे जाने सनम से चाहे जितना लोग हमें अगर हमारे बिरहा के दिल दिमाग में बैठा ली है, अगर बढ़िया समझ में आ गई तो उहे हमार असली जनधन है, ये हमार इनाम है। भैया हो लेकिन हाई देखा भार लगल अरे रखता वो तन की ही अरे रखता वो तन की ही Oh!
भारत का वो वीर जो सीमा को सजाता है आज बनिया से हम नहा रहे खा रहे हैं अमन चैन से जी रहे हैं उन बहादुरों की देन है बाबा साहब की देन है कहा जाता है प्रमाण मिला कहानी कहां से मिलान करी भैया हम अब बात को समझ लीजिए जिला है गाजीपुर रारा जिला है गाजीपुर हमीरपुर दस्तान सही जिला है गाजीपुर हमीरपुर दस्तान सही बाबू है राम कचैया कबीर महान मता है राजमती मता है राजमती के लाल सयाल हुए मता है राजमती के लाल सयाल हुए बनूरा फौजी अतिया दीवाने नाम देखिए गांव का नाम है हमीरपुर ब्लॉक मर्दर थाना मर्दर जनपद गाजीपुर पेपर में पढ़े होंगे इस घटना को इसलिए मैं सोचा कि आपके सामने गा दूं आप लोग सच्चाई क्या है सही क्या है गलत क्या है इसको जानिए वेद पुराण इतिहास शास्त्र बहुत लोग आते हैं लेकिन हम कलयुग की बात क्या होती भैया हो कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग इपाशा का नाम रहे जब पहले बार जुआ खेला पत्ती है समय नहला दहला बुलाता है ये पासा रहल हाँ एके लोग जुग में हमके तो के भुलवा बदे जुग में डाल देते हैं लेकिन भैया हो बात को समझ ले आखिरकार देखा है हमीरपुर गांव का रहने वाला राम बचन यादव पत्नी का नाम राजमती जिनके पास दो बेटा एक अजीत और एक अमीर बड़ा बेटा हुनहार है समझदार है गरीबी में जीवन यापन करे थे परिवार लेकिन सोच बड़का बेटवा कर कि हम नौकरी करा लेकिन छोटका भैया मदद करत हो बड़का भैया कर कोनो बात कोनो तकलीफ ना होके देते हुआ आपन भी समय दे के भैया के मदद कर आखिरकार सोच का हम तर्ज लगे कौन तर्ज भैया हमारा बा जिया में हमारे
शादी कर ले समय से शादी कर ले ही बढ़िया है। कई समाज में गोर अगर खाता ऊंचा पल जाए तो कहां हमन मुंह दिखाओ जाए, लेकिन बड़का भैया जो नजीब था बेचवा बस की माई बाबू ओकर फिक्र मत करा, जब ले हम नौकरी ना पाई तब ले बियाह ना करा। मेरे साथियों एकदम जीत परियर गया है, तैयारी में झूठ गया है, देखा था कितनों शीत लहरी है, लेकिन भोर के समय में जा करके नौजवान दौड़ता है। साजा सवेरे, अरे साजा सवेरे करे ल तैयारी, लेकिन शर्त एगो है बियाह करक लेकिन कोई हमके नौकरी धरा दी कर। वही बीच में देखा खोरहट जो खोरहट देवी पड़ती है चर्चा का विषय है, वही के बगलिया में एक बाबू एक कवना एक गांव है उहमें से एक मेजर यादव परिवार का अइला और जेल समय अमित के देखल है अजीत के देखल है बहुत खुश भई गए। हमारे बेटी नीतू जोग एकदम जोड़ी जमे, बा भाई बा क्या बात है बच्चा क्यों नहीं शादी करोगे? बाबूजी जब ले हम नौकरी न पाई तब ले ब्याह न करे। अच्छा एक काम करो शादी कर लो और नौकरी मैं तुम्हें धरा दूंगा। शादी भैया तय हो गई। हाई देखा जिस समय लोग बारात लेके एक कौना गाँव में गई ना गाजा बाजा बजा था लोग पानी कानो पियला परछौना भल बिया का समय फैल बिया भी हो गल। सवेरे हाई देखा पलमौनी होता और विदाई का समय हो गल। विदाई में जिस समय बाबू माई अपने बेटी की डोली में बैठावत हुआ उस समय तर्ज लगल कौन तर्ज भैया हमार माई सिखौली ना को बाबूजी डोली में बैठावत था उस समय का भाव कहा भैया हमारे लक्ष्मण भैया भाव कहा श्याम बाबू के तरफ से 50 रुपए का आप वही कर भैया हो भाई देखा रामाशन भैया आखिरकार पहली रात में अपने दुल्हन से मिलने के लिए भैया हो और पहली रात में जब जवान गया है मिलने के लिए होता क्या है पहली रात देखा भैया मिला ना Yeah.
हमने वादा हमसे कइले कि हम बियाह कर लेब त हमके सर्विस धरा दी हैं नीतू समझाती है स्वामी हमार अरे बाबू पनीदार हो समझदार हो फौज का मेजर हो आज न तकाल तो के जरूर भर्ती करा दी लेकिन भाई देखा समय धीरे-धीरे बीते लगा बीतत बीतत समय नौजवान देखा तैयारी में जुटा हुआ वही बीच में सबरवर का टाइम है चाय पीएस में पेपर पढ़त तो तोले विचार थे लड़का इने कल भैया अरे भैया फलाना जगह भर्ती है ना चल बका नौजवान आखिरकार जोश में हूं मैं हम फौज का जवान बनम हम नौकरी कर तुरंत तैयारी कर देता है बैठना माई बाबू का गोर लगना छोटका भैया से मिलना और तुरंत तैयारी करके चल रहे आज जब तैयारी करके चल रहे तब तर्ज लगा कौन तर्ज भैया हमारा उहे गौना कराए لكن هذه بركة जवान हो गल जितवा अच्छा तो बढ़िया भल बहुत बढ़िया तैयारी करतरन है क्षेत्र एरिया के लोग बहुत खुश समझा दा मैं सीधा कर रहा कि फौज में भर्ती हो जाई भर्ती हो गल वाह मालिक बात जैसा ही भर्ती भयल संजोग से एक बेटी पैदा भई मालिक जे के देला छप्पर फार के देले और कुछ दिन के बाद एक हैप्पी बेटा पैदा होता है भैया हर समय कटत है आवत हो जात हो बेटी जरा ध्या भई अरे बेटी अगर जा भाई अखिया का तू काला हर फिलहाल नमा कसम के हला अप्रैल का समय है 2023 का समय आखिरकार हाई देखा नौजवान का ड्यूटी जम्मू में हो भैया अपने फोन वीडियो कॉल लगाता है और ये वीडियो कॉल लगवलस तो अपने पत्नी से कहता कि तनी हमारे लइकवा के दिखा दा अरे हमारे बबुली के दिखा दा बिटिया के दिखा दा भैया हो हाई देखा फौजी जवान बड़ा खुश समय जितना वतन से प्यार करत हो उतने अपने परिवार से प्यार करत हो तो ये वो प्यारे वाली तर्ज लगल कि कोरे कह तरिया भैया जरूर
हमरे में साथ कैसे गावल ना कबीर जी कोरी कहतरिया कोरी कहतरिया अरे ससुत ही अरे जम्मावली अरे अमरी त डाल ली जो ललवा राधा हो राधा मन मोह लला भैया हमरे भैया हमरे धर्मेंद्र भैया की आपके तरफ से बहुत ही हाई ना था फौजी जवान अरे फौजी जवान अरे दुलही से बतिया अरे कैसन बात गोरिया का दुलरा लनिया हो ताली के बुला तनी हमरे बिटिया के देखा जा हर बिटिया खिलखिला के बात करती है अयोध्या बेटा छह बरस का जो है हैप्पी वो भी हंसता है हार्दिक बेटा जो एक बरस का है वो भी पापा कहता है बहुत खुश है फौजी नौजवान सीमा प्रहरी जो हमारे बीच का आपका बीच का भाई बेटा जो सीमा पर ड्यूटी करता है हम आप रात में सुतल जला आराम से लेकिन भैया हो ड्यूटी लग जाए कबो पेड़ पर रहके कबो घास फूस में रहके कबो पहाड़ पर रहके अपन जीवन यापन करे ना सोचा हो भैया उन्हें लेकर जीवन पहाड़ पत्थर जैसा होला कहना दुर्जन भैया को ना कि पानी पर चाहे पत्थरवा पहरू पहाड़ा पर खड़ा साथियों यही ड्यूटी है इसीलिए फौज को प्रथम प्रियता दी जाती है भारत के अंदर लेकिन हाई देखा फौजी नौजवान अपने दुलही से अपने बचपन से बतियावत है और कहत का है हसी हसी फौजी अरे देखा खूब बतियावला मीठी मीठी बतिया अरे भैया समझा रहा अरे कैसन बात गोरिया का दुलारा बनिया हो ताली के बुलारे भैया हो लेकिन फौजी नौजवान अपने तो शिक्षित है यह हमें लेकिन अपने पत्नी को भी मन से पढ़ाया है मैं ड्यूटी करता सर्विस करता तो अपनी पत्नी को भी सर्विस कराऊंगा पता चला कि बीए बीएड बीटीसी टेट क्वालिफाई करवा दिया था सीटेट करवा दिया था आपस नौकरी लगने ही वाली थी लेकिन ना पता उसके दिमाग में क्या हुआ भैया हो खाना खा के और सब अपने अपने रूम में चल कर सुते बदे वह पगली गई घरवा में अपने बचपन के लेके सुतल बा और अपन बेटी जो नाराध्या वो अपनी दादी के सुतल बा मेरे साथियों जब रात 12 बजा है नींद खुली है नीतु उठती है 12 बजे रात को अलमारी खोलती है धरदार हथियार निकालती है देखते देखते निरखते निरखते अपने बड़े बच्चे के पास हैप्पी के पास पहुंच गई और अपने बच्चा के पास जब पहुंचल पगली बहुरिया पापी वो हत्यारी मेरे साथियों माँ कहने में तो मुझे दर्द होता है कि माँ ऐसा कभी होता नहीं माँ ऐसा कभी होती नहीं माँ को ऐसा होना ही नहीं चाहिए लेकिन कंजू को सर्वनाश कर दी शर्मसार कर दी लेकिन भैया हो विदेशिया में कभी जी भाव लिखल का लिखल कि अखिया खुला लैया धी ये भैया अखिया खुला लैया धी रात का समैया हो अरे हाथ में गरसिया उठावलस पापिनिया भैया हो गड़ास उठाती है पहले इसके बाद अच्छे छोड़ी पा गई और वो छोड़िया कहीं से ना बाबू यही बंदेवी मेलवा में से खरीद ले रहा है और उठाती है तो कहती हो इससे धरदार तो ये है और मुड़िया पर छुड़िया कि मुड़िया पर छुड़िया अरे चला ले पपिया निरे
देखते देखते अपने बच्चे की गर्दन पर मारती है और जब गर्दन पर लगा है छुरी से बाबू बच्चा छटपटाने लगा। अच्छा छटपटाने लगा वो पगली वो कमीनी हत्यारी फर्श में बैठ के बचवा के दबा देल सो भैया घुटनवा से दबा के और गर्दनिया के नीचे लगल कि मुड़िया पर छुड़िया कहे मुड़िया पर छुड़िया अरे चलावे ले पत्रिया हो अरे जबरी उतारी जैसे मुर्गा भेड़ा कटा जला खस्सी कटा जला वैसे जबरी हो बाबू अपने बेटा के गर्दन को काट देती काट करके और देखा अपने बड़े बेटे का जो सिर है वो ले जा करके अलमारी में रख देती है। अलमारी में रखने के बाद आती है और देखे इसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा तो अपने छोटे बच्चे के पास आती है और बाबू हार्दिक के जगह उलस हार्दिक खेलत है एक वर्ष का लड़का कहा जाना था कि का होके वाला बा मेरे साथियों खून से धरती रंगा गई बा बेर रंगा गई बा लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं है अपने छोटे बच्चे के पास जाकर के सहलाना शुरू करती है। बच्चा जब जगता है तो वो कमी नहीं वो पापी करते क्या है क्या मुहावा दबा के ताबा अरे मुहावा दबा के ताबा रेत गारा दलावा अरे खुदा का सभी गायल भैया पाता हमारे परम साथी घनश्याम भैया दुरेरा पहतिया सी आपके तरफ से 50 रुपया पुरस्कार प्रणाम करती सलाम करती। भैया एक बार मैं विदा स्टूडियो में गा रहा था दिल गर्वित हो गया मैं रोने लगा बाह बाह है जमाना बाहर लोग के करीब भरोसा करवा के आपन कहवा के बिगाना कहवा दोनों बच्चे के गर्दन को काटती है और दोनों बचवन का लसिया हो भैया वही बेटवा को सुता के चदरवा ओढ़ा दे बस एक लड़का का छोटा बच्चा का जो है मुरी सर काट करके बेड के नीचे फेंक देती है और एगो के तहत वो जिम्मेदारी में रख रही बा देखा धीरे धीरे अब सवेर होने वाला है अपने बाथरूम में जाके बैठल है। यह देखा जब सवेरा हुआ दिन चढ़ने लगा तो बचपन का दादी अपने आराध्या नतनिया के जगह रे बेटा जो तनी अपने मम्मी की जगह दे धीरे धीरे विद्यालय का टाइम होकर कुछ बनाओ नाश्ता पानी खैहा लेकर तब न विद्यालय जाइया जिस समय वो आराध्या घरवा में गई ए भैया ए चाचा ए पंचो अपने भैयन के जगाओ बदे वो बहिनिया गई है तो देखलस का बेटवा पर चदरिया ओढ़ावल है आज जिस समय चदरिया खिंचलस बाबू पारा तले जमीन सर गई अरे बहिनी देखलस अपने भैयन का अरे भैया हमल के भैयन का मुड़िया ना हे भैया हमल के भैयन का मुड़िया ना भागल गई अपने दादी के गोद में बैठ के रोए लगल दादी दादी गजब हो गल दादी दुनिया खत्म हो गई है दादी भैया हमल के भैयन का मुड़िया ना हरे दादी भैयन का मुड़िया ना जब इतनी बात सुन ली है राजमती घबरा गई बबुनी का होगल बबुनी अरे कैसन ये आगल पागल सन की नियर बात करत हूँ ना रे दादी चल तनी देख दादी आज जिस समय अपनी नतिनिया के संगमा और अध्या के संगमा गईली घरवा के अंदरवा और जब घरवा के अंदरवा गईली तो देख ली अरे बाप रे बाप सिर पर पहाड़ के गल्ला दादी छाती फाड़ के रोए लगली हाय हो विधाता हम केकर बिगाड़ गईली हो विधाता हमार दुनिया उजड़ गई हो विधाता हमार दुनिया उजड़ गई देख रोने की आवाज पतोहु जब नीतू यादव सुनती है राजमती यादव की पतोहु बाहर जाती है कलश की मत रोवा कहे बदे रोवत हो कि हमार लड़का हम इनके मारी चाहे काटी अब तो छाती बजरन हो गई हो भैया मेरे साथी अहिली बहरे रामचंद्र यादव के जगावत है कहो सुतले हवा अरे हमार का दुनिया सब खत्म हो गई हो स्वामी जागा झसरे जगला कहा का राजमती का हो गले पगली काहे रोवत है बताओ ना अब तो मुंह से आवाज आते ना आंख से आंसू हर 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 गिरत है रामचंद्र यादव पूछत हुए कलश की का बताई हो स्वामी चला घरवा में
जिस समय राम वचन यादव घरवा में गए दोनों नातिन के देखना कि अरे मुड़ी है मुड़िया ना है खाली धरिया है देख के घबरा गई ना मेरे साथी भाग लिया बहरवा फट से फोन लगाऊंगा अपने बेटा फौजी के पास। जिस समय वो फौजी जवान फोन उठाता है हेलो बाबू बाबू का आवाज ना आवत है बाबू अरे पहला बाबू का बात है बाबू बाबू खाली रोवत है कैसे अपना बेटा के बतावा कि हमार मेहरा कैसे अपना बेटा के बतावा कि तोहार मेहरारू तोहरे दोनों बच्चन के काट दे। मेरे साथी न मुंह से आवाज आता है सिर्फ आंख से आंसू आवत है। वीडियो कॉल में फौजी जवान देखा था कि बाबू रोवत हुआ बाबू से पूछता है बाबू अरे हमारे भैया हमारे छोटका का तबियत खराब है हमारे माई का तबियत खराब है हमारे दुल्ही का तबियत खराब है का हमारे बबुआ ठीक होवन। मेरे साथी बाप रो रहा है फौजी जवान पूछ रहा है कर्ज लगल कौन कर्ज है फौजी जवान जवान अरे फौजी जवान जवान अरे पवल पाखा बनिया फौजी जवान दुश्मन हो धरती असमान देखा रोवे के ही छानवा अरे फौजी बहादुर बाबा कैले पा तैयार मेजर के पास गया मेजर साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए साहब क्यों बहादुर क्या बात है ए साहब हम तो पूरे देश से लड़ ली जवान हमारे देश दुश्मन हो उससे लड़ ली लेकिन आज हम अपने ही परिवार से हार गई साहब आज अपने ही परिवार से हार गई का बहादुर क्या बात है बहादुर बताता है फौजी की हमार पत्नी हमारे दोनों हीरेवन के काट दिलस हमके अच्छे हथियार दे दस साहब कुछ गोली दे दा सबसे पहले बरियार हमारे दुश्मन जाई तो के मार के आई लेकिन मेजर साहब समझाओ तो नहीं बहादुर कानून को हाथ में नहीं लेना जा तुम्हें छुट्टी देता हूँ होश हवास में होश हवास से काम लेना अब कानून उसे सजा देगी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है फौजी जवान रोहत तैला है एयरपोर्ट पर यह चल रहा है बाबू हाई देखा गजब यह बाबू का कहना तुरंत उठा के थाने पर मर्दा थाना पर फोन कहना अच्छा फोन कहना तब पहपट में भाव लगल भैया हमारे थाने से पुलिस प्रशासन के लोग तुरंत और खबर चाहू और चर्चा का विषय बन गए जे जैसा ही बात ते सही भैया हो पहुंचल है हमीरपुर गांव में मेला झूठ बाल है एगो थाना ना कई थे थाना जुटल भैया हो अरे मौके पर पुलिस प्रशासन अरे जूता गांव मजहार अरे लखिया से यहां सुना
एसपी साहब पहुंचे हैं दरवाजा को खोला गया और जब दरवाजा को खोला गया बाबू तो देखा अपने बचपन की लसिया के पजरमा बैठे लिए वो हत्यारे में उडाई बैठल बा वैसे प्रशासन को लोग पूछत वो क्या कमी थी क्या तुम्हें तकलीफ था लेकिन कुछ नहीं बोलती है अब तो जनाथ की ओके कुछ हो गई बा सिर्फ देख रही है ताक रही है पथरा गई बा वो पापी हत्यारे मेरे साथी हाई देखा तुरंत बाबू जनता कहती है अरे साहब तनी से समय देता फिर ऐसा हत्यारे पापी के सजा एजा दिया जाए लेकिन प्रशासन के लोग कहते नहीं नहीं कानून को कोई हाथ में नहीं लेगा भैया हो तुरंत मर्द थाना पर लोग लेके इधर लाश समेत और देखा शाम होने से पहले रात होने से पहले उसे जिला कारागार में डाल दिया गया यह फौजी जवान मेरे साथी अपने बच्चों से मिलने के लिए एक बाप हवाई जहाज में बैठा और उड़ा है और आया कहां बाबापुर एयरपोर्ट पर उतरा है तुरंत गाड़ी हो भैया बुक किया और यह देखा मेरे साथियों दोनों बच्चन को पोस्टमार्टम करवा के गंगा के किनारे लाश सजावल है चीता सजावल है ये बाबू जैसे फिल्म में देखले होगा गाड़ी का गेट खुलल फौजी नौजवान उतरा एकटा भागल पहुंचे वो चीता के पास ए भैया ए चाचा हमार हीरवा कहां हवे एक बेर मिला दा हमरे हीरवन से एक बार मिला दा हमार बाबू हमार छोटका भैया कहां है मेरे साथी अमित अपने भैया के देखलस दबर के पकड़ के रोवे लगल भैया बस बस अब जवन भैल भैल भैया एक काम कर भैया अपने आप के रोका भैया विधि के विधान के कोई बदल ना पाई लेकिन आल्हा में कवि जी भाव कर का लिख रहा भैया जमाना ये कत की माई तम माई होली माई तम माई होली अरे माई ना कुमाई तू सब ठुकत माई भोखत ऐसन ना बल्कि लोग कहला बाद बाजी हो के हमन जी ले जा बढ़िया हा लेकिन मेरे साथी उस माता के लिए उस समय के लिए लोग कोसते हैं लेकिन माँ ऐसा कभी होती नहीं है माँ क्या कारण था अपने बच्चों को काट दी मेरे साथियों फौजी नौजवान कल भैया हम के यही संगमा चीतवे की संगमा जरा डालो अब हम जियल ना चाहते मेरे साथियों अपने बाबू की गोद में फौजी नौजवान बैठ कर रो रहा है बाबू हमहू तो तुम्हार बेटा है न अरे तुम्हारी घर में रहला ना जब बाजारे जात रहला तो हमरे दोनों बच्चन के मिठाई लिया उतरला खिलौना लिया उतरला मेला चखा उतरला लेकिन तू ना जाने बोला बाबू कि हमार औरतिया हमरे दोनों बच्चन के कैसे काट दे अरे बेटा अगर हम तनिको जल्ले होती तो हमरे मुड़ी पर छुरी भले चल गए बेटा लेकिन अपने हीरवन के हम काटे ना दे रहती मेरे साथियों अपने बाप के गोद में बैठ करके सबके सामने फौजी नौजवान एक बात कहता है हमारे गोदिया के भैया हो आवा फौजी
कहता है अरे अखिया के तली अपने खोला हो सुगदरा अरे पाप बोलावे तोहके बोला हो आखिरकार उस हालात को देख करके उस समय विधि विधान को देख करके कवि जी बहुत बढ़िया भाव लिखले दान संस्कार करके घरे लोग गई ना बड़का भैया के छोटका भैया समझावत हो माई बाबू समझावत हो रे मुन्ना जीवन भयल भुला जा बेटा और बिटिवा जोन आराध्या रहे अपने पापा के समझावत हे पापा अरे हम हई ना पापा हम ही के देख के संतोष करा पापा दुनिया में बहुत घटना घटेले केहू भाई भाई के मार देला केहू बेटा बाप के मार देला आज मतारी हमरे दोनों भैयन के मार देला अयोध्या समझावत है लेकिन खड़ी लाइन में कभी जी भाव लिखल का लिखल भैया हमार मौके पर कि उसका भाई जो फौजी था अपने भाई के लिए एक ट्रक खरीदा था पैसा रुपया दिया था उसी को मना कर रही थी कि पैसा रुपया अपने बच्चों के भी नाम से थोड़ा बहुत रख दीजिए लेकिन फौजी नौजवान अपना खून के विषय में सोचता अपने परिवार के विषय में सोचता कि मेरा भाई बहुत मेरा मदद किया है मैं जब भी भर्ती में जाया करता था जो भाड़ा किराया था वो देता था मौका से दूध जो भी लाता था वो अपने नहीं खाता उठौना दूध लिया हुए अपने ना खाए अपने भैया के खिया हुए इतने ना बहुत मेहनत कैले रहा भैया छोटका ए बदे बड़का भैया छोटका बदे सोचे लेकिन मेहरारू तो मेहरारू होली माई कई सही बात कमा के तब माई तुहार पेट हुई कि हमारा बेटा पानी पी ले खाना पी ले कि ना लेकिन मेहरारू सबसे पहले जेब चोरी के कितना रुपया कमा के लियाल हुआ यह माई और मेहरारू में अंतर होला गुरु बिहारी गुरु बरस गुरु राम लाल की तमन Yeah.